एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंग स्टाइल। आज है हमारे पास मॉइस्ट वेव मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आज हम इसका रिव्यू एंड डेमो करने वाले हैं एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। यदि आप अपने लिए कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ढूंढ रहे हैं जो आपकी रूखी त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे, या आपकी त्वचा थोड़ी सी हल्की सी इरिटेटेड हो रखी है तो भी आपकी त्वचा को थोड़ी सी मॉइस्चराइज की जरूरत है, तो आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी त्वचा को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है, पीएच बैलेंस करता है। क्वांटिटी है हमारे पास इसकी 100 ग्राम। ये है हमारे पास एक्वस बेस विद सोडियम हाइलुरोनेट। प्राइस है इसकी 349 रुपीज। आप यहाँ पर इसके सभी इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे यूज करना है। अपने चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से क्लीन कर लें, उसके बाद इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पर अप्लाई कर सकते हैं। पैच टेस्ट जरूर कर लें, ठीक है। आप इसे दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार सुबह कर लीजिएगा, एक बार शाम को कर लीजिएगा। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। आपको इसे आई कॉन्टैक्ट यानी कि आंखों के आसपास नहीं लगाना है, मतलब आंखों से इरिटेशन हो रही है तो फटाफट अपनी आंखें धो लीजिएगा, ठीक है। पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, यानी कि यदि आपको इस क्रीम को लगाने से कोई इरिटेशन या एलर्जी वगैरह हो रही है तो आप इस क्रीम का यूज़ ना करें। प्लस मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, ये क्रीम आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही लें, तो डॉक्टर से पूछ कर लें कि डॉक्टर साहब ये क्रीम मैं लगा लूँ, अप्लाई कर लूँ अपने फेस पर या नहीं करूँ, ठीक है। हालांकि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है लेकिन आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये मेंशन कर देती हूँ। इसका कैप आप देख लिया होगा आपने, काफ़ी अच्छा सा, काफ़ी स्टाइलिश सा इसका कैप है। तो ये हमारे पास क्रीम है, काफ़ी थोड़ी सी लिक्विडी है और प्लस इसे हम अब जब अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, मैं बता रही हूँ, जब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं हल्की सी ठंडक का एहसास होता है, ठीक है, और हमारा चेहरा काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज होता है। तो काफ़ी यदि आपकी रूखी त्वचा है, थोड़ी सी यदि स्किन इरिटेट हुई है और आपको त्वचा को कोई अच्छे से मॉइस्चराइज करना है तो ये क्रीम काफ़ी बेहतरीन रहेगी। लेकिन आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें तो आप देख सकते हैं फ़र्क आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे जाएगा। आप इसे एक बार सुबह यूज़ कर सकते हैं, एक बार शाम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार दिन में काफ़ी रहेगा। और पैच टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जैसा कि आपको करना ही है पैच टेस्ट, तो फर्क आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारा हैंड मॉइस्चराइज हो चुका है। इसी प्रकार हमारा जो फेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाता है, प्लस एक हल्की सी ठंडक रहती है हमारे फेस पर थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। सो बिग थम्स अप फॉर दिस क्रीम, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो कमेंट जरूर करें।